हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी करंट अफेयर संबंधित है और आज की वीडियो में जितने भी हमारे करंट अफेयर क्वेश्चन है 27 जुलाई के, वो क्या करेंगे इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले किसी भी एग्जाम के हिसाब से। और साथ में जितने भी क्वेश्चन हैं इनसे संबंधित जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो भी क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। तो आप सभी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और जितने भी हमारे न्यू मेहमान हैं जो हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वे सभी वीडियो के नीचे जाइए, वहाँ पे आपको एक लाल बटन मिलेगा सब्सक्राइब का, उस पर क्या कर लीजिएगा क्लिक कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकॉन है उस पर क्या कर लीजिएगा प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हमारे जितने भी करंट अफेयर संबंधित वीडियो है उनका नोटिफिकेशन उनको मिल सके। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों में शेयर भी कर लीजिएगा, ताकि उनको भी करंट अफेयर संबंधी वीडियो का बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल की जो क्विज क्वेश्चन, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। तो कल की वीडियो में जो क्विज क्वेश्चन था उसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो कल की क्विज क्वेश्चन था, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में डिजिटल अनुदान किसानों के बैंक खाते में ऑनलाइन हस्तांतरण तरण का कार्यक्रम शुभारंभ किया है? तो किस राज्य ने ऐसा किया है? तो किस, तो बिहार राज्य ने क्या किया है, ऐसा किया है। तो दोस्तों, जितने भी हमारे जो करंट के क्वेश्चन होते हैं उनको डिस्कस करने के बाद हम क्या करते हैं, लास्ट में एक करंट की भी जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसमें आपको चार ऑप्शन मिलते हैं। आपको एक जो राइट आंसर होता है कमेंट के माध्यम से हमको बताना पड़ता है, ताकि हम आपको देख सकें आप कितना करंट से संबंधित इम्प्रूवमेंट आप में आ रहा है। तो चलिए आज के जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करते हैं। तो जो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में 26 जुलाई 2018 को कारगिल विजय दिवस की कौन सी सालगिरह देश भर में मनाई गई है? तो ये कौन सी सालगिरह देश भर में मनाई गई है? तो यह 19वीं सालगिरह क्या है देश भर में बनाई गई है, और जो इसे रिलेटेड है वो है जो कारगिल का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो ये जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 3 मई 1999 से, क्या हुआ था यह युद्ध स्टार्ट हुआ था, और यह कब तक चला था? तो यह चला था 26 जुलाई, जो 26 जुलाई 1999 तक यह युद्ध चला था, करीबन करीब 2.5 महीने तक कह जाता है यह युद्ध चला था। और इस युद्ध में भारत की ओर से जो एक घोषणा की गई थी उसमें बताया गया था कि भारत के 527 जवान क्या हो गए थे इस युद्ध में, शहीद हो गए थे, और साथ में 1363 जो है लगभग वो क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, तो जो कारगिल का जो युद्ध हुआ था वो भारत और किस देश के साथ हुआ था? आप सभी हमें कमेंट करके बताएं कि भारत और किस देश के साथ ये कारगिल का युद्ध हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन वो है, पश्चिम बंगाल विधानसभा ने 26 जुलाई 2018 को राज्य का नाम बदलकर किस नाम का रखने का प्रस्ताव किया है? तो पश्चिम बंगाल का नाम रखने का मतलब उन्होंने क्या किया है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा बांग्ला। बांग्ला रखने का क्या गया इसमें प्रस्ताव को पारित कर मतलब कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा हाल ही में कौन सी योजना को आरंभ की गई है? तो कौन सी योजना आरंभ की गई है? तो इसमें जो योजना आरंभ की गई है वो है सोलर योजना, जो सोलर प्लान है उसको क्या गया है आरंभ किया गया है। जो इस योजना का जो सोलर प्लान है वो क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का जो सोलर पैनल का है ना वो क्या है, इसका एक एकड़ खेत में क्या है, एक तिहाई हिस्से में जमीन से कितनी ऊंचाई पर करना है, 3.5 मीटर की ऊंचाई पर लगा कर क्या करना है, ताकि इसकी खेती से संबंधित जो भी जमीन है वो रुके ना और उसकी खेती प्रभावित ना हो। इससे क्या हो जाएगा, जो दिल्ली सरकार जो किसानों की आय बढ़ाने के लिए ऐसी योजना को उन्होंने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, अमेरिकी विज्ञान पत्रिका साइंस में प्रकाशित एक लेख के अनुसार किस ग्रह पर जमीन के नीचे 20 किलोमीटर लंबी झील होने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो किस ग्रह पर ऐसा हुआ है? तो यह हुआ है मंगल ग्रह पर। तो जो मंगल ग्रह पर जो अध्ययन है उसमें पाया गया है कि जो झील है, जो झील का पानी है, तो ये जो पानी है जो बिल्कुल भी क्या नहीं है, तो पीने लायक नहीं है। दूसरा क्या है, तो जो बहता हुआ पानी है ना ये बर्फीली सतह से करीबन करीब 1.5 किलोमीटर क्या है नीचे है, ये नीचे जमीन में 1.5 किलोमीटर क्या है ये नीचे है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों के हेतु एक विशेष निदेशालय स्थापित करने का फैसला किया है? तो कहाँ की सरकार ने ऐसा फैसला किया है? तो ये क्या है, असम की सरकार ने क्या किया, ऐसा फैसला किया है, और इन दिव्यांगों हेतु क्या किया, उन्होंने दिसंबर 2018 तक के लिए क्या किया है, जितने भी जो दिव्यांग हैं उनके लिए 4500 पदों की क्या की जाएगी, नियुक्ति भी की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट हमारा, रूस से हथियार की खरीद पर भारत कौन सा प्रतिबंध नए लगाए जाने की घोषणा की है? तो कौन सा प्रतिबंध नए लगाने की घोषणा की है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, कैट्सा है, जो 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 प्रतिबंध है उसे नए लगाने की क्या की जाएगी, अपील की जा रही है। जो रूस के साथ जो सैन्य समझौता हुआ था तो उसको संदर्भ में लेते हुए जो अमेरिका ने क्या किया है, भारत पर एक ये प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा था, तो इसके ये जो भारत के साथ साथ किस पे था, तो ये इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे जो देश हैं उनके भी इस प्रतिबंध संबंधी क्या ये छूट के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। तो ये लगभग 3 देशों पर प्रतिबंध लगाए जाने की घोषणा की गई है। तो ये प्रतिबंध किस लिए लगाए जा रहे थे, तो अमेरिका ने जो रूस के साथ सैन्य समझौता हुआ था उसके संदर्भ में ये अमेरिका ने एक योजना बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट हमारा, ओडिशा सरकार द्वारा पर्यावरण हितैषी किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसमें किस अभियान की शुरुआत की गई है, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सी, तो इसे ग्रीन महानदी मिशन की क्या की गई, शुरुआत की गई है। जो इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, सबसे पहले मुख्य उद्देश्य है कि महानदी के किनारे जितने भी जो मृदा अपरदन हो रहा है उनको रोकना है। दूसरा क्या है, जो महानदी के किनारे लगभग कितने पेड़ लगाए जाएंगे, तो लगभग 2 करोड़ क्या लगाए जाएंगे, पेड़ लगाए जाएंगे, और वहाँ के लोगों को क्या जाएगा, प्रेरित किया जाएगा, ताकि जो महानदी के साथ साथ जितना मृदा अपरदन हो रहा है उनको रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट हमारा, किस राज्य सरकार ने राज्य की आदिवासी जनसंख्या को उजागर करने हेतु अपना पहला जनजातीय एटलस जारी किया है? तो किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है, तो ये क्या है, ओडिशा सरकार ने, ओडिशा सरकार ने ऐसा क्या किया है, तो जो ओडिशा सरकार है उन्होंने क्या किया है, जो 28 जुलाई 2018 का क्या है, आदिवासी संख्यिकी को उजागर करने के लिए क्या किया है, अपना एक क्या बनाया है, जनजातीय एटलस का जारी किया गया है, और जो इस एटलस का क्या किया गया है, 2011 के जनगणना के आधार पर क्या गया है, इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा, किस राज्य सरकार ने नागरिकों को एकत्रित सेवाएं प्रदान करने हेतु ई प्रगति कोर पहल की क्या की है, शुरुआत की है? तो किस राज्य ने ऐसा किया है, तो ये क्या है, आंध्र प्रदेश राज्य ने क्या किया है, ऐसा किया है, जो कि मतलब ई प्रगति से संबंधित जो अंडवली है वहां से क्या किया है, इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट हमारा, इंस्टाग्राम से कमाई करने के अमीरों की सूची में किस हॉलीवुड अभिनेत्री को टॉप रैंक हासिल हुआ है? तो इसमें किस अभिनेत्री को टॉप रैंक हासिल हुआ है, तो जो काइली जेनर है ना उनको क्या हुआ है, इस पे टॉप रैंक हासिल हुआ है। यदि काइली जेनर को क्या हुआ है, एक पोस्ट करने के लिए लगभग कितने डॉलर की राशि प्राप्त होती है, तो लगभग 10 लाख डॉलर क्या मिलते हैं उनको, एक पोस्ट के लिए मिलते हैं, करीबन करीब 7 करोड़ के आसपास क्या आई है, राशि रुपए में आकी गई है, तो उनको ये चार्ज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट हमारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया 25 जुलाई 2018। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जुलाई 2018 को किस देश के संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो किस देश को पहले भारतीय बन गए, तो इन्हें युगांडा को किस संसद को संबोधित करने वाले क्या गए, पहले भारतीय बन गए हैं। जो हाल ही में जो अफ्रीका दौरे पे गए हैं प्रधानमंत्री, 3 दिवसीय दौरे पर, क्योंकि वहाँ जो ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, तो उनको साथ साथ 3 देशों की यात्रा पर वो गए हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला पूर्ण रूप से महिलाओं को समर्पित होटल का आरंभ किए जाने की घोषणा की है? तो किस राज्य ने ऐसा किया है, तो ये क्या है, केरल राज्य ने ऐसा किया है। जो केरल पर्यटन विकास विभाग है, जो KDDC,
जो KTDC है उनके द्वारा क्या किया गया, जो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला ऐसा जो होटल बनाया जा रहा है जिसमें महिलाओं को किया जाएगा, स्पेशली क्या होगा ये महिलाओं के लिए होगा। दूसरी बात ये स्पेशली क्या है कि वहाँ पे जो होटलों की तादाद है वहाँ क्या है थोड़े कम है, तो इसलिए जो केरल सरकार है उन्होंने क्या किया है महिलाओं को सुरक्षित कदम उठाया है और उनको जितनी भी महिलाएं हैं जो अकेले में यात्रा करती हैं उनको लिए क्या होगा इस होटल के संबंधित क्या होगा उनको सुविधा होगी और आसानी से इन होटल में स्टे कर सकेगी, इसलिए वहाँ की सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। तो फ्रेंड्स आज हमने ये करंट के क्वेश्चन डिस्कस किए, जितने भी है ये क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज का जो करंट क्विज क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। तो जो आज का करंट क्विज क्वेश्चन है वो है जो रिसेंटली में जो ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ है 2018 का आयोजन कहाँ हुआ है ये जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, तो ये ब्रिक्स का कौन सा संस्करण है, तो ये आपका चार ऑप्शन है आपको हमें कमेंट के माध्यम से बताना है कि यह कौन सा संस्करण है ये ब्रिक्स सम्मेलन का। साथ में जितने भी हमारे न्यू विजिटर जो हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं और उन वे हमारे करंट अफेयर संबंधी वीडियो सबसे पहले पाना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में बेल आइकन उस पर भी प्रेस जरूर कीजिएगा, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में मेरे दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। और साथ में जितने भी हमारे चैनल यूट्यूब सब्सक्राइबर है जो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं साथ में फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए वहाँ से टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से उनको PDF अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम चैनल से, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं आप यहाँ से अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं मुझे इजाज़त दीजिए, ओके बाय एंड टेक केयर।